राम भाई नमस्कार। ये कान लगे हुए है, ये तने की साइज 30 से 32 इंच तक आ रही है। ओके, ये अभी फल आना स्टार्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अभी मैं इसके आगे कौन सा फर्टिलाइजर यूज करूँ जिससे केले की लंबाई भी आए और जो केले के बीच में गैप रहता है वो भी थोड़ा गैप अच्छा है। ड्रिप थोड़ी ज्यादा दूर है ब्रदर, तने से पास करना पड़ेगा। नाली में लगे हुए है। कृपया मार्गदर्शन करिए। ये देखिए, धन्यवाद। नमस्ते भाई। ब्रदर, आपने जो कंद का पौधा इतना अच्छा बनाया ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान और इसे देख करके सीखेंगे। एक्चुअली कंद ही केला बनाता था पहले भी, अभी भी और आगे भी बनाएगा। टिश्यू कल्चर तो एक 10-12 साल 15 साल का इनोवेशन है, लेकिन जिन किसानों के पास फंड की कमी है वो निराश ना हो। कंद से ही बहुत अच्छा केला लिया जा सकता है, जो आप जैसे मित्र साबित कर रहे हैं। इसमें एक दो काम करना है ब्रदर आपको। ड्रिप को तने से लगाना है, पोटाश कैल्शियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। 1000 पौधे पे 2 किलो पोटाश प्रतिदिन का, अब जितने दिन में दें, एक सप्ताह में 2 बार अगर दे रहे हैं तो 6 किलो पोटाश एक बार में और 6 किलो पोटाश एक बार में, और जितना पोटाश दें उसका 10% कैल्शियम नाइट्रेट देना है। फ्लावरिंग आने के बाद से ये दो चीज़ें कंटिन्यू रखना है तो रिजल्ट थोड़ा बेहतर होगा। जितना पोटाश दे रहे हैं उसका 10% नाइट्रोजन भी देना है, ये कंटिन्यू रखना है। दो चीज़ें मेन। बंच मैनेजमेंट करना है, आपके पौधे में फ्लावरिंग आ रही है इसलिए बंच मैनेजमेंट अति आवश्यक है। रवि जाट का एक वीडियो डाल रखा है मैंने यूट्यूब पर, जो बंच मैनेजमेंट की पूरी गाइडलाइन देगा। ओके ब्रदर, ऐसे ही कंद पर काम करो और किसानों को बताओ कि टिश्यू के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, कंद भी हमें सक्सेस देता है। थैंक यू।